पिछले 86 सालों से मुंबई करों की सेवा में उपलब्ध ओपन डबल डेकर बसें अब बंद होने जा रही है और इनकी विदाई तय हो गई है। आपको बता दें कि अंग्रेजों के जमाने से लगभग 86 साल से मुंबई करों की सेवा में यह सड़कों पर दौड़ रही थी। कल मुंबई की सड़कों पर डबल डेकर बस आखिरी बार अपने सफर पर दौड़ेंगी। वहीं इस बस को म्यूजियम में रखकर संग्रहित करने की भी तैयारी है। 15 सितंबर को इस बस को आखिरी बार सफर पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसके बाद यह मुंबई की सड़कों पर कभी भी दिखाई नहीं देगी। आपको बता दें कि बसों का संचालन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट द्वारा किया जाता रहा है। 5 अक्टूबर को ओपन नॉन एसी डबल डेकर बसें भी बंद हो जाएंगी। यानी कि आप जिन बसों में मुंबई दर्शन किया करते थे वह बसें भी अब 5 अक्टूबर से बंद हो जाएंगी। आर्थिक राजधानी मुंबई में डबल डेकर बसें 1937 से ही दौड़ने लगी थी। ओपन टॉप डबल डेकर बसें जिसमें आप मुंबई दर्शन करते थे वह 26 जनवरी 1997 से महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम द्वारा शुरू की गई थी। मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि इन बसों को 15 साल की सेवा के बाद स्क्रैप बना दिया जाता है, लेकिन अब आगे इन बसों को शुरू करने की कोई योजना नहीं है। इसका मतलब यह है कि डबल डेकर बसें हमेशा के लिए बंद की जा रही हैं। हालांकि मुंबई प्रशासन ने यह आश्वासन दिया है कि इन बसों की जगह एसी से युक्त डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने की योजना है और इसके लिए 900 बसों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इन24 न्यूज़।